गिर गया नहीं आर पर से आर का भरोसा नहीं गिरा निफ्टी और सेंसेक्स गिर गया है तो देखिए मंडे uh, को फिफ्टींथ अप्रैल को हमने देखा कि सेंसेक्स ड्रॉप डोर 500 पॉइंट्स एंड निफ्टी ड्रॉप टू 22,100 और कल यानी ट्यूसडे को भी हमने देखा कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली तो ये जो गिरावट है इसके गिरने का कारण क्या है इसका कारण है जो इसराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट एक टेंशन बढ़ रहा है वो रीजन है जिस वजह से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली है अब ये हुआ इसलिए क्योंकि वीकेंड पर ईरान लॉन्च 300 प्लस ड्रोन एंड मिसाइल्स ऑन इजराइल आफ्टर एन एलिस्ड इजरायली स्ट्राइक ऑन इट्स सीरियन एम्बेसी हालांकि यूएस ने वॉर्न किया है इसराइल को अगेंस्ट इट्स इन्वॉल्वमेंट इन रिटेलिएशन लेकिन इन्वेस्टर्स को डर है कि कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और इंडियन मार्केट ना क्रैश हो जाए अब यह समझने के लिए जरूरी है कि पहले आप यह समझे कि यह कॉन्फ्लिक्ट इंडिया को किस तरह से अफेक्ट करता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टाइम इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान जो कि ओपेक का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है जिससे ना सिर्फ ग्लोबल क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो इंपैक्ट होती है बल्कि इंडिया की जो क्रूड ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है वो भी इंपैक्ट होती है सो एज अ थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर इम्पोर्टिंग इट्स एटी ऑफ क्रूड ऑयल नीड्स इंडिया इज फेसिंग मार्केट प्रेशर अमिट्स द राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइजेस इन द शोल्ड रन अब ये लीड करता है करेंसी डिवैल्यूएशन रेटिंग डाउनग्रेड जो की फर्दर रेटर करता है फॉरिन इन्वेस्टमेंट को एंड सेकेंडली इससे भाव बढ़ सकते हैं तुम्हारे नहीं रोजमर्रा की चीजों के विच मीन्स की जो हमारे इन्फ्लेशन uh, को काउंटर uh, करने के जो हमारे एफर्ट्स हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे एंड दस ग्लोबली रिड्यूसिंग द लाइकलीहड ऑफ यू एस फैड रेट कट्स अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्बैलेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स डू टू डिस्टरप्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन विल पुस्ट द रूपीज टू फर्दर न्यू लॉज एंड इट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ प्रोफिट फॉर अवर डोमेस्टिक कंपनीज थर्डली इन सारे कंसर्न की वजह से इन्वेस्टर्स विल बिकम मोर रिस्क एवर्स एंड इट विल रिजल्ट इन मोर फॉरन कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम इक्विटीज मोर ओवर बढ़ती ऑयल प्राइजेस के चलते कई सेक्टर्स से हैं जो कि इफेक्ट होते हैं पर्टिकुलरली जो ऑयल डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं वो जैसे कि ऑटोमोबाइल्स एविएशन ट्रांसपोर्ट पेंट टायर सीमेंट्स एंड केमिकल्स इवन इंडियाज इकोनॉमिक कोरिडोर प्लान ऑल्सो स्लो डाउन इफेक्टिंग रेलवे स्टॉक्स लाइक आयरकॉन जुपिटर वैगन एंड आरवीएनएल तो इन सारे कंसर्ट को अगर हम एनालाइज करें तो पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में इंडियन मार्केट्स माइट फेस प्रेशर बट एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि लॉन्ग टर्म में कोई ड्रास्टिक फ्लेक्चुएशन आना मुश्किल है गिवन इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सो डीआईज एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू बैक द मार्केट बट जियोपोलिटिकल टेंशन कैन लिमिट द मार्केट ग्रोथ तो अब डरने की बात नहीं है लेकिन हाँ सतर्क रहने की बात जरूर है तो यहां पे आपको टेंशन नहीं लेना है बस थोड़ा सा आप विजिलेंट रहिए जो आपका पोर्टफोलियो है उसको लेके आप थोड़े से ज़्यादा और अलर्ट हो जाइए तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और लेकिन हाँ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग आप मुझसे जो एक मेजर सवाल होता है वो यही होता है कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हो आप कहाँ पे किस ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करते हो और मैं उसको हमेशा जवाब देने से मैं आमतौर पर बचता हूँ तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए अगर आप किसी एक ब्रोकर के साथ जाना चाहते हैं तो आई वुड से कि सैमको है सैमको एक अच्छा ब्रोकर है तो आप चाहो तो इसके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो उसका लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक पे जाके आप इसके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो मैंने पर्सनली यूज़ किया तो मुझे अच्छा लगा तो इस वजह से मैं आपको भी रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपका एक मेजर सवाल होता था तो अगर आप चाहो तो सैमको के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर sure आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दिस इज सतपाल ऑफ